कुछ दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। बात कुछ ऐसी है कि मैं वलसाड स्टेशन से घर पे आ रहा था, आधे समय मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डॉग पड़ा हुआ था, तड़प रहा था बेचारा। उसकी नाक जो है वो रेल एक्सीडेंट्स की वजह से टूट गई थी पूरी, सिर्फ नीचे का हिस्सा बचा हुआ था। तो वहाँ के एक हेड कॉन्स्टेबल ने उसको पटरी से उठा के प्लेटफॉर्म पर रखा था। तो वो हैट्स ऑफ है उस उनको, जो उन्होंने एक काम किया, उनको तो बेचारे को कुत्ते को उठा के यहाँ पे रखा। लेकिन बात ऐसी हुई कि हम लोगों ने यहाँ के जो एनजीओज वगैरह है उनको कॉल किए, और कॉल करने के बाद वहाँ पे उनको बुलाया, लेकिन कॉल करने के 2 घंटे बाद भी वो लोग नहीं आए। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, वो हेड कॉन्स्टेबल साहब बोले मुझे कि आप चले जाओ, मैं देख लेता हूँ। बाद में क्या हुआ पता नहीं उस डॉग का, क्योंकि मैं गया तो हेड कॉन्स्टेबल साहब भी वो मुझे मिले नहीं, ना वो डॉग दिखा। तो यार मतलब अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हो तो पूरी करनी चाहिए, है ना कि मतलब खाली आस पे रखना चाहिए किसी को। कुत्ता बेचारा तड़प रहा, और वही काम कर रहे हो आप, लोगों से फंड इकट्ठा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मदद करने ना तो कीजिए ना। ये पहला इंसिडेंस नहीं है ऐसा, पहले भी जब मैं मुंबई में रहता था तो मुंबई सेंट्रल में भी ऐसे बहुत, मतलब 2 से 3 बार मुंबई सेंट्रल में ऐसा इंसिडेंस हुआ मेरे। नहीं, गलत बात है ना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को आस पे नहीं रखना चाहिए, खाली शौक के लिए एनजीओ खोल रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती भाई। पहले कमाने के लिए रहेगा कर रहे हो या क्या कर रहे हो पता नहीं। बहुत से वीडियो वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पे कि मतलब इतना मदद करते हैं, फेसबुक पे आते हैं, इतनी मदद करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे एनजीओ हो गए तो मुझे सिर्फ उनको इतना ही कहना है कि भाई सुधर जाओ, जो ये सब नहीं करना। इतना तड़प रहा था वो कुत्ता कि मतलब अभी तक वो मुझे पूरा याद है। तो इस वाक्या को कम से कम 3 से 4 दिन हो चुके हैं, फिर भी अभी तक वो डॉग मेरे आंखों के सामने आ रहा है। तो बहुत के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। शब्बा खैर, सायनारा।